कभी किसी ने सोचा है कि संसार को छोड़ने के पहले वह इस अवस्था में पहुंच जाएगा, इन इन चीजों को पाकर ही संसार को छोड़ेगा। मैं हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया के तमाम देशों में जाकर लोगों से पूछता हूं, जिस भी सभा में मैंने पूछा है, किसी सभा में किसी व्यक्ति ने आज तक मुझे नहीं बताया कि उसके पास इस दिशा में कभी कुछ सोचने का अवसर आया, यानी किसी ने नहीं सोचा। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति सोचे कि वो क्या उसकी जिंदगी की चाह क्या। अगर एक बार सोच लोगे तो विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप हर मनचाही मंजिल को पा सकते हो। धन से लेकर ध्यान तक और पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको पहले आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मांग ही स्पष्ट नहीं है तो कोल्हू के बैल की तरह चलते रहेंगे, मूविंग लाइक ए रडरलेस बोट रीचिंग नोवेयर। सारी जिंदगी चलते रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, काम बहुत करेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं और जिंदगी बीत जाएगी। जैसे एक नाव जिस पर कोई नाविक न हो तो इधर हिलेगी उधर हिलेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, जिधर लहरें ले जाएंगी उधर जाएगी। मांग स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता है, इस जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको पाने का एक बहुत बड़ा राज सीक्रेट आपसे, वो सीक्रेट है आप कृतज्ञता के भाव से भरे हो। जब आप कृतज्ञता के भाव से भरे होते हैं, थैंकफुलनेस के भाव से भरे होते हैं, तो आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। आपको अस्तित्व का बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ, वो है कि आप इस अस्तित्व के अनिवार्य अंग है। जैसे हाथ और पैर आपके शरीर का अंग है, वैसे आप इस संपूर्ण अस्तित्व के, विराट अस्तित्व के अंग हैं। आप उसके हाथ पैर या हृदय है, ऐसा समझो। जिस समय आपके प्राणों में कोई चाह कोई मांग उठती है, अस्तित्व तुरंत स्वीकृत कर देता है, तुरंत दे देता है आपको। जैसे अभी आपके शरीर में मांग उठती है चलने की, आपके पैर चलने लगते हैं, आप हाथ उठाने का भाव करते हैं हाथ उठ जाता है, आप बोलने का भाव करते हैं मुंह बोलने लगता है। ऐसे ही जो भी आपके भीतर चाह उठती है कि मुझे मिल जाए, मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊं, तुरंत विराट अस्तित्व की शक्ति वो चीज आपको दे देती है। लेकिन आप पूछेंगे फिर आपको मिलती क्यों नहीं? मिलती इसलिए नहीं क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। रिसीविंग मोड का ये अर्थ है, जैसे मैं यहाँ मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इसे आपकी तरफ फेंकता हूँ, आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे तो बाल को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बाल को प्राप्त करना है तो हाथ को रिसीविंग मोड में करना पड़ेगा। रिसीविंग मोड में होंगे तब आपकी तरफ बाल फेंकी जाएगी तो बाल आपको मिल जाएगी। अस्तित्व तो आपको दे देता है, जैसे चाह उठती है कि फला व्यक्ति मेरा जीवन साथी बन जाए, फला संपदा मुझे मिल जाए, या अमुक मंजिल पर मैं पहुंच जाऊं, उसी क्षण अस्तित्व आपको स्वीकृत कर देता है। लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। रिसीविंग मोड में होने का उपाय क्या है? कृतज्ञता के भाव से भरे होना, थैंकफुलनेस के भाव से भरे होना। और ये तभी संभव है व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन फ्लावर्स ऑफ योर लाइफ। जब आप जिंदगी के फूलों पर फोकस करना शुरू करेंगे तब आपके भीतर कृतज्ञता का भाव आएगा। जिंदगी में फूल भी है कांटे भी है। जो व्यक्ति कांटों कांटों पर फोकस करता है उसके जिंदगी के जो थोड़े से फूल है वह भी कांटे बन जाते हैं। जिस चीज पर फोकस होता है वही चीज बढ़ती चली जाती है। अगर आप जिंदगी के फूलों पर फोकस करते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में जो कांटे हैं वह भी फूल बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। रिसीविंग मोड में होने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। दुनिया में जितने धर्म हैं सब में चाहे जितना अंतर हो लेकिन सभी धर्मों ने एक चीज पर जोर दिया, उसका नाम क्या है जो सभी धर्मों में कॉमन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी, उस चीज का नाम है प्रार्थना। हर धर्म प्रार्थना पर जोर देता है लेकिन प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। लोग प्रार्थना के नाम पर वही करते हैं जो प्रार्थना का उल्टा है। लोग सिर्फ प्रार्थना के नाम पर मांगों की सूची बनाकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खड़े हो जाते हैं, ठीक उसका उल्टा। प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद के भाव से भर जाना, प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया ये भी दिया ये भी दिया। जब भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएं वहां धन्यवाद दें अपने इष्ट को जिसकी प्रतिमा के सामने आप खड़े हैं, प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया ये भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आप चाहते हैं वो अपने आप मिलेगा आपको। ये प्रार्थना का
विज्ञान का सार है, प्रार्थना के विज्ञान का सार है कि वो आपको स्वतः मिलेगा। और तीसरी जरूरी बात है कि आपको 100% यकीन होना चाहिए कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चाह अस्तित्व ने आपके भीतर पैदा कर दी है, यही पर्याप्त प्रमाण है कि वो चीज आपको मिलने वाली है। हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग चाह होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा एथलीट बनना चाहता है, ये सबके भीतर अलग अलग चाह। विराट अस्तित्व बड़ा जीवंत है, वही ये चाह पैदा कर रहा है। जो चाह उसने आपके भीतर पैदा की है, इसका अर्थ है कि वो आपको देने के लिए तत्पर। आपको कृतज्ञता के भाव में होना चाहिए, और तीसरी बात, आपको उसका यकीन होना चाहिए। अगर आपकी मांग स्पष्ट हो गई, आप कृतज्ञता के भाव से भरे हैं और आपको यकीन भी हो गया कि अस्तित्व ने मुझे ये चाह दी है, तो मेरी ये चाह अवश्य पूरी होगी, संदेह बिल्कुल ना करें। ये तीन चीजें पूरी हो गई तो मंजिल आपको मिलकर रहेगी, ये समझ लें। यकीन करने का अर्थ है अटल आस्था, अटूट विश्वास, और इसके चमत्कारी परिणाम होते हैं। जब आप किसी चीज पर यकीन कर लेते हैं तो सारा अस्तित्व एकजुट होकर उसे साकार करने में सक्रिय हो जाता है। यकीन करने के हमेशा चमत्कारी परिणाम होते हैं। अगर आपको यकीन हो जाए कि आपकी बीमारी खत्म हो गई, तो बीमारी आपके शरीर में रुक नहीं सकती। आपको पता है इस दुनिया में जितने सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, लेकिन सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं उनमें से 90% उन सांपों के काटने से मरते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि सांप का काटा कहीं बचता है तो जो जहर था नहीं वो जहर भी फैल जाता है। मेडिकल साइंस में प्लेसबो इफेक्ट फेमस। नकली दवा आपको दे दी जाए लेकिन आपको यकीन हो कि अमेरिका की सबसे असली दवा आपको दे दी गई है जो किसी को नहीं उपलब्ध हुई, आपकी बीमारी मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है तुरंत ठीक होना शुरू हो जाती है। और उतने ही प्रतिशत लोग ठीक होते हैं नकली दवा से जिन्हें यकीन हो गया, जितने लोग असली दवा से ठीक होते हैं। यकीन में इतनी बड़ी शक्ति। और अंतिम सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है मनचाही चीजों को पाने का। वो सूत्र है, आपके मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन एक अवचेतन मन। चेतन मन की शक्ति 10% है, अवचेतन मन की शक्ति 90% है। आप पूरी जिंदगी चेतन मन के तल पर जीते रहते हैं उस 10% में। आपकी चाह आपकी आकांक्षा चेतन मन में उठती है और चेतन मन में ही पड़ी रहती है, और चेतन तल पे ही हल्के फुल्के या तगड़े प्रयास होते हैं और वही समाप्त हो जाते हैं। जो 90% अवचेतन मन है उसका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। अगर चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा दिया जाए, इतना ही पर्याप्त है मनचाही मंजिल को पाने का, जो भी आप पाना चाहते हैं। यानी जो चीज आप पाना चाहते हैं उस चाह को चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंचा दिया जाए, तभी आपका काम पूरा हो जाता है। तो खेल खेल में आप असंभव से असंभव चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता रहता है।